हेलो गाइस गाइस, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली ब्लीच के ऊपर है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स होता है जिसका नाम है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, BLISC। ठीक है, ये जो कोर्स है एक लाइब्रेरियन कोर्स है जो आफ्टर BA होता है, यानी BA के बाद होता है, और आप कह सकते हो कि डिप्लोमा के बाद भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स की मैं आगे आपको डिटेल दे दूँगा कि फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पहले आप इस कोर्स को ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। आप सबके सामने शो हो रहा होगा। ठीक है, ये देख सकते हो कोर्स ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है टू एडुकेट द स्टूडेंट टू फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरियनशिप, बेसिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल लॉज, एथिक्स। ठीक है, और इसमें ट्रेन टू स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट की स्किल वगैरह पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ना, बेसिकली आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो। ठीक है, आप इसका कोर्स की डिटेल आप पढ़ सकते हो, कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ पे आता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, 1 मिनट। ठीक, अब यहाँ पे जो मैं बात कर लूँ कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, देखो कोर्स की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी नहीं है, ये सिर्फ जो है कोर्स वो 1 साल के लिए होता है, लेकिन फुल टाइम कोर्स है। ठीक है, इतना ध्यान रखो, फुल टाइम कोर्स है, ये पार्ट टाइम कोर्स नहीं होता। और अगर आपको इसका टाइम टेबल देखना है कि टाइम टेबल क्या है इस कोर्स का, तो आप बेसिकली वेबसाइट विजिट कर सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ से इसे सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक बार आ जाता हूँ यहाँ पे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ, इसमें जो सेमेस्टर हैं वो 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, 6-6 महीने पे होता है। ठीक है, आप कर सकते हो, और जब आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर आएगा, और बेसिकली आप इसका जो सिलेबस है ना वो वेबसाइट से जाके विजिट करके आप देख सकते हो। ठीक है, सिलेबस वगैरह, और बाकी कोर्स मैंने बता दिया, फुल टाइम है, पार्ट टाइम कोर्स नहीं है, 1 साल का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर 10+2 3। ठीक है, यहाँ पर 10+2 का मतलब होता है 12th, और 3 का मतलब होता है आफ्टर, जब आप 3 देखो 3 साल का, जब आप कोई कोर्स करते हो आफ्टर 12th। ठीक है, तो ग्रेजुएशन मिलती है आपको, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन की जो डिग्री मिलेगी यहाँ पे, आप डिग्री के बाद अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 50% आपकी डिग्री में होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, ये किसी से भी हो, या BA प्रोग्राम से हो, या BSc से हो, BSc प्रोग्राम से हो, ठीक है, तो आपको 50% नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, बाकी इसके बाद कट ऑफ निकलती है। ठीक है, कट ऑफ लगभग मैं बता देता हूँ, 66 के करीब कट ऑफ जाती है। ठीक है, 66 मैंने जो इतनी देखी है, इतनी या फिर 70 भी मान सकते हो सकता है इस साल बढ़े कट ऑफ, और नेक्स्ट ईयर भी बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई करा है। ठीक है, क्योंकि सीटें भी इस कोर्स में कम हैं, सीटें भी मैं बता देता हूँ आगे चल के। यहाँ पे 10+2+2 यानी 12वीं के बाद आप जब कोई 2 साल का कोर्स कर रहे हो तो डिप्लोमा मिल जाएगा, तो डिप्लोमा के लिए आपको 55% नंबर चाहिए। ठीक है, 55% नंबर कम से कम चाहिए आपको, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट होने चाहिए, नहीं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ साफ तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये मैं जितनी भी डिटेल बता रहा हूँ ये मैंने खुद वेबसाइट विजिट करके निकाली है डिटेल्स। ठीक है, तो आप वेबसाइट विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। बाकी मैं आ जाता हूँ, एज लिमिट क्या है इस कोर्स की। ठीक है, तो एज लिमिट इस कोर्स की जो है वो है कैंडिडेट, देखो मिनिमम मैं बता देता हूँ, एज लिमिट है वो 20 साल है। ठीक है, आप लेकिन 20 साल वो भी बिफोर 1st day of July। ठीक है, जब भी आप एडमिशन ले रहे हो, मान लो मैं जुलाई में एडमिशन ले रहा हूँ, ठीक, और सॉरी जून में एडमिशन ले रहा हूँ, तो 1 जुलाई से पहले मैं 20 साल का हो जाना चाहूँगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं 20 साल का हो जाऊँ, और जो मैक्सिमम जो एज लिमिट होती है वो 30 साल, यानी मैक्सिमम 30 साल है, मिनिमम आपकी 20 साल होती है एज। ठीक है, और जो इसका जो क्राइटेरिया है वो 1st day of July से पहले आप हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर इन केस आप मतलब पर्सन वर्किंग इन लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में काम कर रहे हो, या एज अ सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट और सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, देखो तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 23 साल हो जाएगी। ठीक है, आपकी मिनिमम एज, सॉरी सेवन, हाँ
बाकी आपकी जो मैक्सिमम एज है, यहाँ ये दिया आ गया ना, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी जो है वो 35 ईयर हो जाएगी, ठीक है। आप 35 साल के हो जाने चाहिए 1 ऑफ जुलाई से पहले, इन विच एडमिशन इज शॉर्ट, ठीक है। जब भी आप एडमिशन ले रहे हो तो 1 जुलाई से पहले आप 35 साल के हो जाने चाहिए, या फिर आप क्या नाम है, अगर मैं एज अ जनरल स्टूडेंट की बात करूँ तो वो कम से कम 30 साल का उसकी मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है। और जो क्राइटेरिया वो जुलाई होता है। और बाकी मैं आया तो यहाँ पे कोर्स की फ़ीस क्या है, देखो मैं दैनिक सिटी की कोर्स की फ़ीस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें वो नहीं है, 10,000 से लेके 15,000 के बीच में ये कोर्स हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोर्स की फ़ीस होगी तो 15,000, ठीक है, मिनिमम आप समझो 10,000 रुपये है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेता हूँ, एडमिशन प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर है, देखो, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू ब्लिस बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड, ठीक है, कोर्स विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग पीजी एडमिशन पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड रिफर बुलेटिन इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है। तो यानी जब पीजी के एडमिशन स्टार्ट होते हैं, देखो पीजी के एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं, तो मैक्सिमम जो पीजी के एडमिशन स्टार्ट होते हैं वो कम से कम जून वगैरह, मई जून से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। पीजी वगैरह के एडमिशन जो है वो मई से स्टार्ट होना हो जाता है, ठीक है, मई जून इतने में स्टार्ट हो जाता है, जब ही आप अप्लाई करोगे इस कोर्स के लिए, ठीक है। इसका कोई अलग से पोर्टल नहीं है, पीजी एडमिशन का, जब यूनिवर्सिटी में पीजी के एडमिशन होते हैं जब ही आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन भी आता है, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, एमएससी प्रोग्राम, ठीक है, बहुत सारे कोर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे अप्लाई करते समय वहाँ पे ब्लिस का ऑप्शन आता है और एक मिलिस का ऑप्शन आता है। मिलिस क्या है, मिलिस इसके ऊपर की डिग्री होती है, मैं बता दूंगा कि मिलिस के ऊपर एक वीडियो में बना दूंगा कि मिलिस क्या है, ठीक है। इसके बाद आपको ब्लिस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद क्या होता है, मेरिट बनती है जिसमें 66% रहता है, ठीक है, 66% आपके होने चाहिए। शायद एक स्लाइड और रह गई यहाँ पे, नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट है, कोर्स की फ़ीस है, एडमिशन प्रोसीजर है। एक चीज़ यहाँ पे रह गई कि यहाँ पे जो एडमिशन कितना है, सॉरी, सीटें कितनी है। तो सीटें जो है मैं बता देता हूँ, तो सीटें जो हैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 66 सीटें होती हैं इस कोर्स में, केवल 66 सीटें होती हैं, ठीक है, थीके? मैं एक बार रफ कर देता हूँ, ठीक, 66 सीटें होती हैं जिसमें से आपकी, सॉरी परसेंटेज बना दी मैंने, ठीक। तो 66 सीटें होती हैं जिसमें से SC ST OBC और जनरल स्टूडेंट यानी अनरिजर्व कैटेगरी के सभी मिला के 66 इन्हीं सीटों में इंक्लूड होता है, जो क्या आपकी क्या नाम है, किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो 66 सीटों के अंदर ही होता है। बाकी आपकी +5 सीटें होती हैं, ठीक है, +5 सीटें जो होती हैं वो किन के लिए होती है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, रिजर्व्ड सीटें होती हैं, ठीक है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं वो केवल, ठीक है। तो टोटल 71 सीटें हैं, ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ अभी तक जो बुलेटिन आया हुआ है, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर थोड़ी सीटें बढ़ जाए, क्योंकि 2017 में केवल इसमें 60 सीटें थी, तो बड़ी हैं सीटें, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे भी बड़े सीटें, अगर जैसी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो एमए पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी वीडियो आ जाएगी जल्दी, ठीक है, तो डोंट वरी, एमए के ऊपर वीडियो आएंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।